sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. My life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? सो हे गाइस, कैसे हो तुम सब? स्वागत है तुम सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि गाइस, अब ये तुमने यहाँ पे गेम प्ले देख लिया होगा, वैसे सेम टू सेम कॉन्फ़िग फाइल आपको ऐसे हेडशॉट पड़ेंगे मेरी कॉन्फ़िग फाइल अप्लाई करने के बाद। सो गाइस, यहाँ पे मैंने स्टेप्स बना दिए। तो पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, इसको कॉन्फ़िग फाइल को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोडिंग लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में यहाँ पे दे दिए। सो गाइस, बहुत सारे लोगों कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में जो लिंक मैंने दिए उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे डाउनलोड करना है, दूसरे लिंक्स खुल जाते हैं। तो उसके लिए गाइस, आपको मैंने एक और यहाँ पे सेकंड लिंक प्रोवाइड की है एक वीडियो की, कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए भी मैंने गाइस एक सेकंड लिंक प्रोवाइड की है एक वीडियो की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। मेरी वीडियो नहीं है, मेरे दोस्त के चैनल की, तो आप उसको देख सकते हो। वहाँ पे सेम प्रोसेस है कैसे आपको वेबसाइट पे जाने का डाउनलोड करना है फाइल को। तो अगर से आपको पता है लिंक्स फायर से कैसे डाउनलोड करना है लिंक को, तो आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। अब गाइस, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद थर्ड प्रोसेस आपका ये है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है, देन यहाँ पे ZRCO नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस, इसको डाउनलोड करने के बाद फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, ZRCO इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड गाइस, आपने अगर लिंक को क्रोम से डाउनलोड किया है तो आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा कॉन्फ़िग फाइल, ऐसे ये नाम है, देख लो, RGZ ऑटो हेडशॉट कॉन्फ़िग फाइल। तो सिंपल से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दो। अभी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दो फोल्डर निकल के आएंगे, एक होगा एसेट्स, एक होगा एम्प्टी मैनेजर। तो सिंपल से एम्प्टी मैनेजर पे आपको क्लिक करना है, एम्प्टी मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो ये इंस्टॉल होने तक के लिए आपको वेट कर लेना है। अब देख ही सकते हो ऐसे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा साइज़ नहीं है, पूरी फाइल का साइज़ यहाँ पे गाइस 11 MB है, ज़्यादा नहीं है। सो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद भाई एम्प्टी मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन करना है। एम्प्टी मैनेजर को ओपन करने के बाद ऐसे अलाउ कर दो, अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको रीड एंड एग्री पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना, देन इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको उस वाले फोल्डर में जाना है जहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल सेव है। तो हमारी डाउनलोड फोल्डर में हमने एक्सट्रैक्ट करके रख दी है एसेट्स वाली फाइल। अब गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फाइल के पास आने के बाद, अब यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे दूसरा यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है इसमें आपको एंड्रॉयड वाले सेक्शन में जाना है, देन यहाँ पे आपको OBB वाले सेक्शन में जाना है, देन com.dts.freefiremax। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के लिए दोनों का प्रोसेस सेम है, तो आपको फ्री फायर मैक्स सेलेक्ट कर लेना है, देन मेन OBB फाइल पे आपको क्लिक करना है, देन अर्चीव व्यूअर पे आपको चले जाना है। आप जैसे यहाँ पे आते हो गाइस, देख ही सकते हो गाइस, यहाँ पे भी एक एसेट्स नाम का फोल्डर आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमने एक एसेट्स नाम का अभी एक्सट्रैक्ट किया था जिसमें सेम्प्टी मैनेजर और एसेट्स नाम का फोल्डर बाहर आया था। तो गाइस यहाँ पे अब OBB फाइल में भी एक एसेट्स नाम का फोल्डर होगा। अब इन दोनों से हमको इन दोनों को रिप्लेस करना है, मर्ज भी कर सकते हैं, मर्ज बोलते हैं। तो आपको इस वाली साइड पे एसेट्स को लॉन्ग प्रेस करना है, थोड़ी देर पकड़े रखना है। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएंगे, तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे प्रिपेयरिंग करके आपका पूरा यहाँ पे मर्ज होना फाइल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हैक वगैरह मर्ज होगी, तो यहाँ पे देख ही सकते हो आप, यहाँ पे मर्ज हो रहा है सारी चीज़ें। सो गाइस, अभी आपका यहाँ पे हैक लग चुका है, यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, हैक आपका सब लग गया। अब गाइस, बहुत सारे लोगों को हैक यूज़ नहीं करना होता है थोड़ी देर के लिए, तो वो लोगों को हैक हटाना है। तो हैक कैसे हटाना है, अब यहाँ पे सिंपल से गेम ओपन करोगे तो हैक दिख जाएगी। अब अगर से आपको हैक हटाना है तो सिंपल से भाई ZRCO एप्लीकेशन को ओपन करो, देन ZRCO एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद एंड्रॉयड में आना,
देन OBB, देन com.dts.freefiremax या फ्री फायर। देन यहाँ पे गाइस एक OBB हो गया ऐसे कलर में। सिंपल से OBB को आपको डिलीट करना है, BA के लिखा होगा उसको मत कर देना डिलीट। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, देन इसको डिलीट कर देना। अब डिलीट करने के बाद गाइस इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ये मेन OBB फाइल है, इसको डिलीट मत करना। देन यहाँ पर रीनेम इसको करना है, देन यहाँ पर लास्ट में से BAK और ये डॉट फुल स्टॉप आपको हटा देना है, इतना रख देना। आपका हैक हट गया, फिर से सेम प्रोसेस करो, हैक अप्लाई हो जाएगा। सो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड आपको सारा प्रोसेस बता दिया। अगर से आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एंड से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।